नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यदि उचित ढंग से की जाए तो शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शैलपुत्री की कथा पर बात करेंगे। शैलपुत्री देवी सती का रूप है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनका विवाह महादेव शिव के साथ हुआ। दक्ष ने सती का शिव के साथ विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर किया था, परंतु दक्ष शिव की जीवन शैली के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित हैं, तो उन्होंने भी शिव जी के सामने पिता के यहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। परंतु शिव जी ने कहा कि एक विवाहिता को उसके पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती फिर भी जाने का हट करती रही। सती की अपने घर जाकर सबसे मिलने की व्यग्रता देख शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती पिता के घर पहुंची, तो माँ के अतिरिक्त किसी ने भी उन्हें स्नेह और आदर नहीं दिया। यहाँ तक कि यज्ञ में शिव जी का भाग भी नहीं निकाला गया। जब सती ने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा, तो दक्ष ने उत्तर दिया कि शिव वाघांबर धारण करता है, मुंडियों की माला पहनता है, वो देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्हें भयंकर क्रोध आया। उन्हें समझ आ गया था कि शिव जी की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। भयंकर क्रोधाग्नि में सती ने स्वयं को उसी क्षण समाप्त कर दिया। इस भयावह घटना को सुनकर शिव जी ने अपने गणों को वहां भेजा और यज्ञ को पूर्णतया विध्वंस करा दिया। शिव जी क्रोध में आकर तांडव करने लगे और सती के शरीर को लेकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दृश्य को देख भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जिन स्थानों पर गिरे वो स्थान ही आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। माता सती ने अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया, इसलिए ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। तो यह थी माँ शैलपुत्री की कथा। अब आइए पूजा विधि जानते हैं। नवरात्रि का शुभारंभ कलश स्थापना के साथ किया जाता है। यह कलश 9 दिन तक स्थापित रहता है। इसके लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को साफ करके इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस चौकी पर माँ दुर्गा का चित्र रखें। अब किसी मिट्टी के पात्र अथवा गमले में मिट्टी डालकर जौ के कुछ बीज बो दें। इस पात्र में थोड़ा पानी डाल दें। अब एक तांबे का कलश लेकर इस पर कलावा या मौली बांध दें और कलश पर तिलक लगाएं। इस कलश में गंगा जल भरकर कुछ चावल के दाने, सुपारी और दूर्वा घास डाल दें। कलश के किनारों पर 5 आम के पत्ते रखें और कलश को ढक दें। अब एक नारियल को एक साफ लाल रंग के कपड़े में लपेटकर इसे भी कलावे से बांध दें। इस नारियल को कलश पर स्थापित करें। अब लकड़ी की चौकी पर माँ के चित्र के बराबर जौ वाला पात्र रखें और उस पर कलश स्थापित कर दें। इस कलश को 9 दिन तक ऐसे ही रहने दें और जिस मिट्टी के पात्र या गमले में आपने जौ बोया है उसे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। यदि आपके लिए संभव है तो नवरात्रि के 9 दिन माँ के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इसके पश्चात एक छोटे से हवन कुंड में एक छोटे कंडे के टुकड़े को जलाकर रखें। इसमें थोड़ा कपूर डाल दें। 2 लौंग लेकर घी में डुबोकर और सुपारी कंडे की अग्यारी में अर्पित करें। साथ ही रोली और चावल से तिलक करें। अब पूजा में फल और मिठाई का भोग लगाएं। कुछ लोग प्रथम दिन से दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करते हैं। यदि आप भी इस प्रथा का अनुसरण करते हैं तो इसे अवश्य करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा के कवच का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात शैलपुत्री के मंत्र का एक माला जप करें। माला में मोतियों की संख्या 108 होनी चाहिए। माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। माँ शैलपुत्री आयु, सौभाग्य और प्रकृति की देवी हैं। इसलिए माँ से प्रार्थना करें
कि आपके घर में सौभाग्य बना रहे और सभी को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समापन करें। संध्या के समय में भी आरती करें। और इसके साथ समाप्त होती है नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि। नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी को। तो आरंभ करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में पूरे जीवन तपस्या की। उनकी घोर तपस्या के कारण ही वो ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी गई। इसलिए ब्रह्मचारिणी को तपस्या, ज्ञान और वैराग्य की देवी माना जाता है। अपने पूर्व जन्म में देवी ब्रह्मचारिणी ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और महादेव शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष केवल फल और फूल का आहार करके व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर जीवन व्यतीत किया। 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्व पत्र अथवा बेल पत्र का आहार करके शिव जी के ध्यान में लीन रही और इसके बाद बेलपत्र खाना भी त्याग दिए और निराहार एवं निर्जल होकर महादेव की तपस्या करती रही। पत्रों का त्याग करने के कारण ही उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। जीवन के बहुत से दिन देवी ब्रह्मचारिणी ने खुले आकाश के नीचे व्यतीत किए। इतनी गहन तपस्या से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सभी देवता, ऋषिगण एवं मुनि देवी की तपस्या से अभिभूत थे। सभी ने देवी के समर्पण की सराहना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक इस संसार में किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसा करने का साहस केवल आप में ही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और अगले जन्म में चंद्रमौली शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप कृपा करके तपस्या छोड़कर अपने घर लौट जाइए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें शिव जी की पत्नी बनने का वरदान दिया और इस प्रकार देवी ने अगले जन्म में शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिनाई के समय में भी अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। अध्यात्म और आत्मिक आनंद के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद आवश्यक है। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। साथ ही ब्रह्मचारिणी के भक्तों को प्रसन्नता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। महातपस्विनी ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र, दाएं हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। देवी का यह स्वरूप हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला और अत्यंत भव्य है। अब हम जानेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। प्रयास करें कि नवरात्रि की पूजा में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें। सर्वप्रथम जिस कलश को आपने प्रथम दिन स्थापित किया है, इसका तिलक करके दीपक प्रज्वलित करके कलश का पूजन करें। साथ में जो माँ दुर्गा का चित्र है, उसका भी कुमकुम और चावल से तिलक करें। आशा है आपने माता के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित की है। इसमें तेल या घी उचित मात्रा में डालते रहें, जिससे ज्योति रात्रि के समय में भी खंडित ना हो। संभव हो तो इस दिन देवी को कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात फल, मिष्ठान, सुपारी, पान आदि अर्पित करें। जैसा कि हमने प्रथम दिन की पूजा में बताया था कि एक कंडे का टुकड़ा जलाकर इसमें कपूर डालकर लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर अर्पित करें और इस अग्यारी का रोली चावल से तिलक करें। अब ब्रह्मचारिणी स्त्रोत मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। स्त्रोत मंत्र इस प्रकार है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिण उत्तमा। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कवच का पाठ करें। साथ ही इस पुस्तक में उल्लेखनीय बीज मंत्रों का भी उच्चारण करें। इसके पश्चात या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करें। देवी की वंदना करें और प्रार्थना करें कि भौतिक जीवन जीते हुए आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो और आप वैराग्य की ओर अग्रसर हों।
अब देवी की आरती करके क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। संध्या आरती भी अवश्य करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भक्त गणों के घरों में माँ की मूर्ति या चित्र के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित है और प्रथम दिन बोए हुए जौ के बीज अब अंकुरित होने लगे हैं। नवरात्रि के 9 दिन पूजा का स्थान इसी प्रकार सुसज्जित रहना चाहिए। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा अलौकिक वस्तुओं के दर्शन कराता है। यह स्वरूप बहुत आकर्षक, कल्याणकारी और शांति प्रदान करने वाला है। इस स्वरूप में देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमक धारण करता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें अनेक अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। उनका वाहन सिंह है। देवी के मस्तिष्क पर सुसज्जित घंटे की भयंकर ध्वनि राक्षसों और असुरों को भयभीत करती है। मान्यता है कि यदि माँ चंद्रघंटा की पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली और हृदय रोग निवारक हैं। यह भी कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों को पिछले जन्मों के भी पापों से मुक्ति मिलती है। इन देवी की पूजा करने से साधकों को अलौकिक वस्तुओं और दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है, परंतु इस प्रकार के अनुभव केवल शुद्ध और तपस्वी साधकों को ही होते हैं। इसलिए स्वच्छ शरीर और पवित्र मन और हृदय से देवी की आराधना कर माँ से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनकी उपासना से सहज ही सभी सांसारिक कष्टों और बंधनों से मुक्त होकर हम ध्यान में लीन हो सकते हैं। चंद्र घंटा की आराधना मणिपुर चक्र में ध्यान लगाकर की जाती है। अब जानते हैं माता चंद्र घंटा की पूजा विधि। सबसे पहले माँ चंद्र घंटा को कुमकुम का तिलक लगाकर चरण स्पर्श करें। अब जैसा कि हमने नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन की पूजा में अग्नि को लौंग का जोड़ा अर्पित करने की विधि बताई है, उसी प्रकार लौंग अर्पित करें। देवी को फल, पुष्प, मिष्ठान आदि अर्पित करें। यदि आप अच्छे मन से स्वयं कोई मिष्ठान बनाकर अर्पित करते हैं तो देवी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती हैं। प्रयास करें कि नवरात्रि में प्रतिदिन कुछ घर के बने हुए मिष्ठान का भोग लगाएं। अब दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करें और देवी का कवच पढ़कर चंद्रघंटा बीज मंत्र का उच्चारण करें। यह बीज मंत्र इस प्रकार है, एम श्रीम शक्त्यै नमः। इसके पश्चात देवी चंद्रघंटा मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चंद्रघंटायै नमः की एक माला का जप करें। अब दुर्गा आरती या यदि आपकी पुस्तक में माँ चंद्रघंटा की आरती है तो उसे प्रेम पूर्वक गाकर माँ की आरती उतारें। इसके पश्चात माँ से प्रार्थना करें कि आपके सभी पाप नष्ट हों और क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। कूष्मांडा शक्ति का चौथा स्वरूप है। इन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। अपनी मंद मुस्कान से अंड अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा नाम दिया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि इन्हीं देवी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। ये संसार की आदि स्वरूपा शक्ति है। सूर्य के भीतरी लोक में इनका निवास स्थान है। वहाँ निवास करने का साहस और क्षमता केवल देवी कूष्मांडा में ही है, इसलिए इनके शरीर की कांति सूर्य की भांति चमकने वाली है। दसों दिशाओं में देवी कूष्मांडा का तेज अलौकिक है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों में जो तेज विद्यमान है वो इनकी केवल छाया मात्र है। देवी कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वीं भुजा में सिद्धि और रिद्धि प्रदान करने वाली जप माला है। इनकी सवारी सिंह है। साधक को माँ कूष्मांडा की आराधना के लिए अनाहत चक्र में ध्यान केंद्रित करना होता है। इनकी उपासना से सभी प्रकार के रोग, कष्ट आदि का विनाश होता है और यश, बल, आरोग्य और आयु में वृद्धि होती है। यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो माँ कूष्मांडा के आशीर्वाद से साधक को उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है।
अब जानते हैं माँ कूष्मांडा की पूजन विधि। प्रतिदिन की भांति कलश की पूजा कर माँ कूष्मांडा को प्रणाम करें और धूप एवं दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो पूजा के लिए अनेक रंगों वाला आसन प्रयोग करें। इसके पश्चात माँ को जल, पुष्प, फल और मिष्ठान अर्पित करें और प्रतिदिन की तरह अग्यारी प्रज्वलित करके लौंग और सुपारी अर्पित करें। यदि घर में किसी सदस्य को रोग है तो इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। अब माँ कूष्मांडा के बीज मंत्र का उच्चारण करें। ऐं ह्रीं देव्यै नमः माँ कूष्मांडा का बीज मंत्र है। अब कूष्मांडा के मंत्र का जप करें जो इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः। इसके पश्चात आरती करें। माँ से प्रार्थना करें कि आपको निरोगी काया और शुद्ध मन प्राप्त हो और आप उनकी उपासना में लीन रहें। अब क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास माँ कूष्मांडा का प्राचीन और विचित्र मंदिर है। यहाँ माँ लेटी हुई मुद्रा में है। इस मंदिर में कूष्मांडा की पिंडी से लगातार जल बहता रहता है। कहा जाता है कि इस जल को पीने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस मंदिर में माँ कूष्मांडा की पिंडी कितनी पुरानी है यह कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि इसकी प्राचीनता की गणना करना मुश्किल है। नवरात्रि का पांचवा दिन माँ दुर्गा का पांचवा रूप स्कंद माता का है। दुर्गा माँ का यह रूप कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए दुर्गा माँ का यह रूप स्कंद माता कहलाता है। कार्तिकेय को कुमार, मुरुगन, सुब्रमण्य आदि नामों से भी जाना जाता है। अनेक स्थानों पर स्कंद माता और उनके पुत्र कार्तिकेय की पूजा साथ में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए मन को पवित्र रखते हुए एकाग्र भाव से स्कंद माता की आराधना करके उनकी शरण में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। दाईं ओर ऊपर की ओर संकेत किए हुए नीचे वाली भुजा में कमल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में वर मुद्रा और नीचे की भुजा में जिसकी दिशा ऊपर की ओर है इसमें भी कमल है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजित हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कमल के साथ देवी का यह स्वरूप सिंह पर भी विराजमान है, इसलिए स्कंद माता का वाहन सिंह भी है। स्कंद माता के विग्रह में कार्तिकेय जी बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान है। कहा जाता है कि स्कंद माता की उपासना से कार्तिकेय देव की उपासना भी हो जाती है। इन देवी की उपासना अलौकिक तेज और कांति प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और साधक को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की उपासना से एक मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। संतान की उत्पत्ति के लिए भी स्कंद माता की पूजा की जाती है। वात, पित्त, कफ आदि से पीड़ित व्यक्तियों को भी देवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से ये रोग पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। स्कंद माता की आराधना विशुद्ध चक्र में ध्यान केंद्रित करके की जाती है। अब जानते हैं पूजा विधि। जिस प्रकार आप नवरात्रि में प्रतिदिन कलश पूजन, लौंग अर्पण आदि करते हैं, यह विधि पूर्ण करने के साथ इस श्लोक का उच्चारण करें। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्त सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब स्कंद माता को जल, पुष्प आदि अर्पित करें। स्कंद माता के लिए अलसी का भोग प्रमुख है, तो पूजा में अलसी को अवश्य सम्मिलित करें। देवी के इस रूप को केला भी अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन केले का भोग लगाएं। अब बीज मंत्र का उच्चारण करें जो इस प्रकार है। ह्रीं क्लीं स्वमिन्यै नमः। अब दुर्गा सप्तशती के अध्यायों और कवच का पाठ करें। इसके पश्चात यदि संभव हो तो पुस्तक में उल्लेखनीय सभी बीज मंत्रों का उच्चारण करें। अब स्कंद माता के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः का एक माला जप करें। तत्पश्चात स्कंद माता या दुर्गा माँ की आरती करके क्षमा याचना करें और इस प्रकार पांचवे दिन की पूजा संपन्न हुई। संध्या आरती भी अवश्य करें। देवी कात्यायनी कौन है, इनकी कथा और पूजा विधि जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए।
तो आइए सबसे पहले माँ कात्यायनी की कथा जानते हैं। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम कात्य रखा गया। कात्य के गोत्र में ही विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन ने जन्म लिया। कात्यायन ने वर्षों तक देवी पराम्बा की कठोर तपस्या की। उन्होंने प्रार्थना, इसलिए इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी ने अश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन उत्पन्न होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिनों में ऋषि की आराधना स्वीकार की और दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। माँ कात्यायनी की उपासना परेशानियों को नष्ट करने वाली है। उनकी आराधना से विवाह संबंधी कष्ट और दोष नष्ट हो जाते हैं। कात्यायनी की पूजा करने से देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और अच्छा वर प्राप्त होने का वरदान देते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि कष्ट हो तो भी माँ कात्यायनी की उपासना फल प्रदान करने वाली है। यदि विवाह में बाधा हो तो भी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब ब्रज की सभी गोपियाँ भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तब गोपियों ने माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। कंठ रोगियों को विशेष रूप से देवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक, भव्य और आभूषणों से सुसज्जित है। उनकी चार भुजाएं हैं। दाईं ओर ऊपर की भुजा अभय मुद्रा और नीचे वाली वर मुद्रा में है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में तलवार और नीचे की भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी का वाहन भी सिंह है। देवी कात्यायनी की पूजा विधि। साधक को आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने से कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। नवरात्रि के प्रतिदिन की भांति विधि विधान से पूजा करें। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है, अतः पूजा में शहद का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही देवी के इस रूप को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो देवी के विग्रह को लाल रंग की चुनरी पहनाएं। लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और संभव हो तो लाल रंग के ही वस्त्रों में पूजा करें। क्लीम श्री त्रिनेत्रायै नमः, इस बीज मंत्र के उच्चारण के साथ देवी का पूजन करें। इसके पश्चात ओम एम ह्रीम क्लीम कात्यायै नमः मंत्र का माला पर जप करें। अब आरती और क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। माँ कालरात्रि की संपूर्ण जानकारी। माँ कालरात्रि का स्वरूप तो अत्यंत विकराल है, परंतु ये अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। इस कारण इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली और काल से भी रक्षा करने वाली देवी हैं कालरात्रि। माँ कालरात्रि दानवी शक्तियों का विनाश करने वाली हैं। आसुरी शक्तियाँ इनके नाम मात्र से ही भयभीत हो जाती हैं। कालरात्रि की आराधना से भक्त हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत विभत्स और विकराल है। उनके शरीर का रंग अंधकार के समान काला है, केश बिखरे हुए हैं और गले में मुंडियों की माला है। देवी कालरात्रि के तीन नेत्रों से विद्युत के समान तीव्र प्रकाश वाली किरणें निकलती रहती हैं। नासिका से हर श्वास पर ज्वालाएं निकलती हैं। माँ कालरात्रि दाईं ओर की ऊपर की उठी हुई भुजा से वर प्रदान करती हैं और दाईं ओर नीचे की ओर झुकी हुई भुजा अभय मुद्रा में है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में कांटा और नीचे की भुजा में कटार अथवा खड़ग है। देवी कालरात्रि की सवारी गर्धव अर्थात गधा है। यदि शुद्ध मन और भावना से कालरात्रि की उपासना की जाए तो भक्त मनचाही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इनकी उपासना करते समय यम, नियम और संयम का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा कैसे की जाए। कालरात्रि का ललाट में ध्यान किया जाता है। सर्वप्रथम कलश पूजन के साथ अग्यारी में लौंग का जोड़ा इत्यादि अर्पित करें और प्रतिदिन की भांति विधि विधान से रोली, अक्षत आदि से देवी का तिलक करें। अब देवी के बीज मंत्र क्लीम एम श्रीम कालिकायै नमः का 9 से 11 बार उच्चारण करें। इसके पश्चात कालरात्रि मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम कालरात्रयै नमः का एक माला जप करें। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सभी बीज मंत्रों का भी उच्चारण करें। अंत में आरती एवं क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। माँ कालरात्रि का मंदिर बिहार में सारण जिले के नया गांव में स्थित है। अनेक स्थानीय श्रद्धालु यहाँ देवी के दर्शन करने हेतु आते हैं।
और देवी का ध्यान करके नकारात्मक शक्तियों के भय से मुक्त होकर काल रात्रि की भक्ति में लीन होकर जीवन व्यतीत करते हैं। माँ दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। महागौरी का पूजन नवरात्रि के अष्टम दिन किया जाता है। यह दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन महागौरी की उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को लोग अनेक कार्यों का शुभारंभ करते हैं। माँ महागौरी की आराधना मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। महागौरी आदि शक्ति हैं। इनके ओज और तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती में उल्लेखनीय है कि शुंभ निशुंभ राक्षसों से पराजित होने के पश्चात देवताओं ने गंगा तट पर जिन देवी की आराधना की वे आदि शक्ति महागौरी ही हैं। महागौरी के विषय में दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार महादेव शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने देवी को स्वीकार कर उनका शरीर गंगा जल से धोया। तब से देवी का शरीर अत्यंत कांतिमान और तेजपूर्ण हो गया और तभी से इन्हें महागौरी कहा जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार शिव जी ने पार्वती जी के रूप के लिए कुछ कटु शब्द कह दिए जिससे पार्वती जी आहत हुईं और कठोर तपस्या में लीन हो गईं। जब अनेक वर्षों तक माँ पार्वती वापस नहीं आई तब शिव जी उनकी खोज में निकल पड़े और अंततः उन्हें ढूंढ लिया। जैसे ही शिव जी ने माँ पार्वती को देखा वो आश्चर्यचकित हो गए। उनके चेहरे पर तेज श्वेत रंग और उनकी ओजपूर्ण काया देख शिव जी ने उन्हें गौर वर्ण का वरदान दिया और तब से ही पार्वती जी को महागौरी के नाम से भी जाना गया। महागौरी का वर्ण गौर है। देवी के आभूषण एवं वस्त्र भी श्वेत हैं और मुद्रा अत्यंत शांत है। चार भुजाओं वाली महागौरी की दाहिनी ओर ऊपर की भुजा अभय मुद्रा में और नीचे की भुजा में त्रिशूल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में डमरू और नीचे की भुजा वर मुद्रा में है। देवी महागौरी का स्वरूप नेत्रों को सुख और शांति प्रदान करने वाला है। महागौरी की सवारी वृषभ अर्थात बैल है। देवी महागौरी ने शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इसलिए विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना के साथ अष्टमी के दिन महागौरी को लाल रंग की चुनरी सिंदूर और सुहाग की अन्य वस्तुएं अर्पित करती हैं। महागौरी की उपासना कल्याणकारी है और भक्तों के सभी कष्ट हरने वाली है। इसलिए अष्टमी के दिन माँ से प्रार्थना करनी चाहिए और शुद्ध मन से आराधना कर उनकी शरण में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी का ध्यान मस्तिष्क में किया जाता है। नवरात्रि के प्रतिदिन की भांति विधि विधान के साथ पूजा करके या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण करें और यदि संभव हो तो इस मंत्र का माला पर जप करें। इसके पश्चात बीज मंत्र श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः का उच्चारण करें और अब महागौरी मंत्र ओम एम ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः का एक माला जप करें। अब क्षमा याचना के साथ आरती करके पूजा संपन्न करें। संध्या आरती करना भी ना भूलें। नवमी अर्थात नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। देवी का यह रूप भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है जिनके नाम क्रमशः अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व एवं वशित्व है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 10 सिद्धियों का उल्लेख है जिनके नाम क्रमशः सर्व कामा वसायता सर्वज्ञत्व दूर श्रवण परकाय प्रवेशन वाक सिद्धि कल्प वृक्षत्व सृष्टि संहार करण सामर्थ्य अमरत्व और सर्व न्यायकत्व है। इस प्रकार पुराणों में कुल मिलाकर 18 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। माँ सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है और सभी सिद्धियाँ अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। देवी पुराण के अनुसार सिद्धिदात्री की कृपा से ही महादेव शिव को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी
और इनकी कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिस कारण शिव जी अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। धरती पर सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई थी। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य और आकर्षक है। इनकी चार भुजाएं हैं। दाहिनी ओर ऊपर की भुजा में चक्र और नीचे की भुजा में गदा है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में शंख तथा नीचे की भुजा में माँ कमल धारण करती हैं। उनके कंठ में दिव्य माला सुशोभित है। देवी का यह रूप कमल पर विराजित है और इनकी सवारी सिंह है। दुर्गा सप्तशती में अनेक स्थानों पर सिद्धिदात्री का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार देवी ने स्वयं ही कहा है कि मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई नहीं है, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। इसके पश्चात सभी देवियाँ देवी सिद्धिदात्री के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। तब देवताओं और दानवों के युद्ध के चलते देवी और शुंभ राक्षस के मध्य भी भयंकर युद्ध छिड़ गया। शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती पर तीव्र प्रहार किया और उसे धरा पर गिरा दिया। इस प्रकार देवी ने शुंभ का वध किया, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त संसार प्रसन्न चित्त हो उठा। नदियां अपने मार्ग पर बहने लगी और उत्पात सूचक मेघ एवं उल्कापात भी शांत मुद्रा में आ गए। आइए अब जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे की जाए। सिद्धिदात्री का ध्यान मध्य कपाल में किया जाता है। भक्तों को सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से अपने परिवार के कल्याण हेतु करनी चाहिए। इनके वरदान से बुद्धि सिद्धि बल और सुख की प्राप्ति होती है और घर में प्रेम भाव का आगमन होता है। प्रतिदिन की भांति शुद्धता स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए विधि विधान के साथ कलश और देवी का पूजन करें। पूजा में सुगंधित पुष्प खीर या हलवा और श्रीफल अवश्य रखें और देवी को प्रेम भाव से अर्पित करें। देवी का पूजन करते समय बीज मंत्र ह्रीम क्लीम एम सिद्ध्याय नमः का 9 से 11 बार उच्चारण करें। अब एक हवन कुंड तैयार करें, जिसमें आम की लकड़ियां, हवन सामग्री और कपूर का प्रयोग करके अग्नि प्रज्वलित करें। अब हवन में 108 बार हवन सामग्री और घी की आहुति दें। हवन करते समय माला पर देवी मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम सिद्धिदात्यै नमः का 108 बार जप करें और प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा के साथ कुंड में आहुति दें। अंतिम मंत्र पर कुंड में नारियल और घी की पूर्ण आहुति देकर हवन संपन्न करें। चूंकि यह नवरात्रि का अंतिम दिन है, इस दिन दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ और पुस्तक में उल्लेखनीय बीज मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें और संभव हो तो माँ दुर्गा का भजन कीर्तन भी करें। अब क्षमा याचना और आरती के साथ पूजा का समापन करें। यदि आपने 9 दिन का उपवास किया है तो माँ से प्रार्थना करें कि आपको सदैव ही इस भक्ति भाव से माँ ओतप्रोत रखें। इस दिन अच्छा भोजन बनाकर माँ को भोग लगाएं और सर्वप्रथम 9 कन्याओं एवं 1 बालक को भोजन कराएं। तत्पश्चात उनका तिलक कर उन्हें दक्षिणा दें। अब देवी को प्रेम भाव से स्मरण करके यह भोजन स्वयं ग्रहण करें और इस प्रकार आपका नवरात्रि उपवास और पूजा संपन्न हुए। जो जौ के बीज प्रथम दिन बोए थे, वो गमला अगले दिन चौकी से हटाकर घर में कहीं और रख दें और चौकी को पूर्णतया हटा दें। यदि संभव हो तो संध्या में प्रतिदिन माँ की आरती करते रहें। इससे घर में समृद्धि और शांति का आगमन होगा। और मित्रों, इसके साथ समाप्त होती है हमारी नवरात्रि सीरीज। हम लेकर आते रहेंगे आने वाले पर्वों से संबंधित अनेक जानकारियाँ, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और Amazon स्टोर पर द डिवाइन टेल्स के पेज को विजिट कीजिए। यहाँ से आप इस फेस्टिव सीजन के लिए बहुत सी वस्तुएं ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।